जिन्होंने 70% से ज्यादा अंक प्राप्त किए, तो उन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अच्छा अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया। आज आप रानी की तरफ से सम्मानित हुए हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक आदमी का अपनी रानी और घर में सम्मान मिले, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। तो आपका, आपके परिवार में पवन जी, राजेश जी, सब लोगों ने मिलकर जो कार्यक्रम किया, इसके लिए इन सबको मैं गोवर्धन जी, द्वारकर, सबको, इनको पूरी टीम को बधाई देता हूँ और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आपको भी लेना देना, इसलिए आपको भी सीख देता हूँ कि आपको भी बहुत पढ़ना है, पढ़ोगे तब आप लोगों को भी इनाम मिलेगी, क्यों जरूर आप सब अपना जो भी लक्ष्य है उसमें आप, क्योंकि आज का जमाना बड़ा ही कंपटीशन का जमाना है और इस कंपटीशन के युग में अपने आप को साबित करना युवाओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई का जो लक्ष्य घर वालों ने आप लोगों को दे रखा है, जो टारगेट आप लोगों ने ले रखा है, उसको आप निश्चित रूप से पूरा करोगे, अपने घर का नाम रोशन करोगे, ढाणी का नाम रोशन करोगे, परिवार और समाज का नाम रोशन करोगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आज का दूसरा अपना कार्यक्रम है, आदरणीय राजेश जी कटेवा साहब, यहाँ माता जी की ढाणी में मैं सोचता हूँ कि पहली बार ही आप पधारे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, क्योंकि पूरी ढाणी की तरफ से मैं भी इन्हीं का बेटा हूँ, तो आपका पूरा पूरा स्वागत करता हूँ। हमारी पंचायत है, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और राजेश जी कटेवा के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजेश जी कटेवा कोई धनाढ्य परिवार से बहुत बड़े कोई नेता के बेटा नहीं है, ये भी अपने किसान के पुत्र हैं और हम सब के बीच से ही निकल के आज आपने इतने बड़ी, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है कि आपका चारों तरफ बहुत बड़ा नाम है, सीकर में आप बहुत बड़े व्यवसायी के रूप में आपको जाना जाता है, ये आपकी मेहनत और लगन का परिणाम है। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने बीच से निकला है, क्योंकि उसको हमारी हर पीड़ा का, हमारे हर दुख का, हमारे हर समस्या का पता रहता है, इसलिए आप इन हमारी हर प्रकार की बातों से, हमारी भावनाओं को आप अच्छी तरह से समझते हो, इसलिए ये पूरी ढाणी और ग्राम पंचायत की ओर से हम सब लोग आपका स्वागत करते हैं और माता के दरबार में आपका स्वागत होना, ये मानो कि माता जी का आशीर्वाद आपको मिला है। और अभी चुनाव का समय है, राजेश जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव की टिकट की दौड़ में है, तो मैं माता रानी से अरदास करता हूँ कि आपको माता रानी का आशीर्वाद मिले और हमारी सब लोगों की तरफ से हम सब लोग आपका हमेशा साथ देंगे, ऐसा मैं सब लोगों से उम्मीद करता हूँ। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि किसी को भी वोट दो, वोट क्या है कि मन की चीज़ होती है, लेकिन वोट ऐसे व्यक्ति को दो जो अपने, अपनी भावना को, अपने विचारों को कम से कम समझ तो सके कि ये लोग, इनके क्या पीड़ा है या ये क्या बात रख सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति को भी आप वोट देंगे जिसके पास आसानी से आप पहुंच सके, क्योंकि बहुत जो लोग बड़े हो जाते हैं उनके पास आदमी पहुंच नहीं पाते, आप एक किसान के पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं, आपके पास हर व्यक्ति आसानी से पहुंच सकता है, ऐसे आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा हम लोगों के बीच रहेंगे, हम लोगों का साथ आप हमेशा देते रहेंगे और जनता की जो भावना है, आम आदमी की जो पीड़ा है, उसको आप समझेंगे और उसका निदान करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः मैं आपका ढाणिया ढाका की ढाणी पंचायत की पहली ढाणी माता जी की ढाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ।